हेलो एवरीवन, यूपीएससी की परीक्षा में धांधली के बड़े आरोप आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर पर लगे, जिसको लेकर के यहां पर मामला लगातार कई दिनों से चर्चा में है। इसमें फर्जी सर्टिफिकेट जिसमें ओबीसी और दिव्यांगता के मामले भी शामिल हैं, साथ ही यहां पर डराने धमकाने के भी मामले इनमें शामिल हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान ही यहाँ पर कई अलग अलग प्रकार की सेवाएँ प्राप्त करने और यहाँ पर अधिकारी जैसे यहाँ पर अन्य प्रकार के विवाद भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। आज हम यहां पर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी के द्वारा इनको ट्रेनिंग से क्यों मुक्त कर दिया गया है। साथ ही देखा जाए तो यहां पर महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें कार्य से मुक्ति दे दी है और आयोग के द्वारा इनकी ट्रेनिंग को निरस्त कर दिया गया है। पूरा मामला यहां पर क्या है, किस तरीके के विवाद इनसे जुड़े हुए हैं, 6 अलग अलग पॉइंट्स में यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए मामला जो यहां पर है, अभी हाल ही में देखिए यहां पर आपको एक न्यूज जो अभी यहां पर निकल कर आई है, इनकी ट्रेनिंग को रद्द कर दिया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने देखा जाए तो इन्हें यहां पे कार्य से मुक्त भी कर दिया गया है। तो आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग मंगलवार यानी 16 जुलाई को आज के दिन यहां पे रद्द किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें अपना कार्य मुक्त भी कर दिया है। अब ये वापस यहां पे देखा जाए उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी ये वापस जाएंगी और वहां पर 23 जुलाई तक यानी एक हफ्ते के यहां पर इन्हें समय दिया गया है, जहां पर ये रिपोर्ट इनको करना है। जांच पूरा होने तक ये लगातार यहां पर एकेडमी में रहेगी क्योंकि यहां पर इन पर जांच बिठाई गई है और जांच होने तक यहां पर ये कहीं नहीं जाएंगे। इससे पहले अगर हम देखें जो विवाद यहां पर इनसे जुड़े हुए हैं, कई सारे मामलों को लेकर के यहां पर जुड़े हुए हैं, तो इससे पहले पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग को एक हफ्ते के लिए यहां पर रोका भी गया था, जो लगातार विवाद यहां पर बढ़ गया था। पूजा को 15 से 19 जुलाई तक यहां पर अकोला में आदिवासी विकास परियोजना में प्रशिक्षु के रूप में यहां पर शामिल होना था, लेकिन मामले को बढ़ता देख करके वाशिम जिला अधिकारी इस पर यहां पर रोक लगा दी गई थी। मामला क्या था, मामला देखा जाए दो यहां पर मामले थे फर्जी सर्टिफिकेट लगाने के। एक था यहां पे पूजा के द्वारा दिव्यांग और ओबीसी सर्टिफिकेट पुलिस की यहां पर जांच की है क्योंकि ये दोनों ही सर्टिफिकेट के नकली होने की बात की है। फर्जी यहां पे सर्टिफिकेट इनके द्वारा लगा करके कोटा हासिल करके यहां पर ये जॉब पाई गई है और इसी मामले की यहां पर जांच चल रही है। इसको लेकर के देखिए जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है, उस पर भी यहां पे थोड़ा सा नोटिस यहां पर आया हुआ है आयोग का, जो आप यहां पर देख सकते हैं, जो उनके द्वारा पूजा यहां पर जो है उनके द्वारा ये देख सकते हैं जो लगाया गया यहां पे एक सर्टिफिकेट था, जो मामला यहां पे चर्चा का विषय बना। हुआ क्या था कि यूपीएससी इनके द्वारा जो गड़बड़ी की गई थी, देखिए कैसे की गई थी, जो खुलासे यहां पर आए हैं कि पूजा ने यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में यहां पे बदलाव किया। दो बड़ी बातें यहां पर देखिए, क्योंकि आयु में आप सभी जानते हैं एक लिमिटेड एज तक यहां पर आपको छूट मिलती है अगर आप नॉर्मल हैं, लेकिन अगर आप विकलांग हैं या फिर अगर आप क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर या फिर ST/ST जैसे संबंध है, यहां पर कुछ आपको आयु में छूट मिलती है, तो उसी का फायदा यहां पर लेने के लिए इनके द्वारा अपनी आयु में बदलाव किया गया। दो अलग अलग एग्जाम में दो अलग अलग यहां पर सर्टिफिकेट एक तरीके से लगाए गए, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट में पूजा की तरफ से लगाए गए 2020 और 2023 के दो आवेदनों में पूजा के नाम यहां पे अलग अलग पाए गए हैं। पूजा ने 2020 के आवेदन में अपना नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव रखा है और उम्र 30 साल बताई है। वहीं 2023 के कैट के आवेदन में अपना पूरा नाम यहां पे पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर दिखाया हुआ है और अपनी उम्र यहां पर 31 साल बताई है। सवाल यह है कि 3 साल यानी 2020 से देखा जाए 2023 तक हम देखें तो इनकी एज मात्र 30 से 31 साल होती, यानी कि 3 साल बीत गए और ये सिर्फ 1 साल बढ़ी हैं। किस तरीके से यहां पर, कैसे यहां पर इनकी एज में ये बदलाव आया है और इसी सवालों के जवाब यहां पे ढूंढे जा रहे हैं। लगातार यहां पर क्वेश्चन मार्क किए जा रहे हैं और इनके लगातार इस तरीके के जो विवाद हैं वो लगातार और भी एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी से देखें जो हम डिस्कस कर रहे हैं मामला जो है कि यूपीएससी की परीक्षा में देखा जाए कि जनरल कैटेगरी को 32 साल तक यहां पर सिर्फ 6 अटेम्प्ट ही देखने को मिलते हैं और वहीं ओबीसी कैटेगरी को 35 साल और 9 अटेम्प्ट यहां पर आपको मिल जाते हैं और पूजा ने कुल 11 बार देखा है तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी है, तो अपने आप में यहां पर किस तरीके से इन्होंने इसका फायदा उठाया वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा पूजा पर दिव्यांगता और ओबीसी आरक्षण के कोटे का दुरुपयोग करके भारतीय प्रशासनिक सेवा यूपीएससी के सिलेक्शन पास करने का यहां पर आरोप लगाया है। विवाद बढ़ने के बाद पूजा को पुणे में वाशिम यहां पे ट्रांसफर कर दिया गया था और फाइनली यहां पर अब इनकी ट्रेनिंग भी रद्द कर दी गई है, कार्यमुक्त कर दिया गया है और वापस बुला लिया गया है। दो फर्जी सर्टिफिकेट जो आवेदन के द्वारा किए गए थे, दो आवेदन दिए इन्होंने विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए जिसमें से एक खारिज हो गया था,
हुआ क्या, इनकी जांच हुई। जांच में यहाँ पे पता चला कि जिसके लिए इन्होंने ट्राई किया हुआ है, जिसके लिए इन्होंने आवेदन किया है, वो वहां पर उस मानक पर ये खरी नहीं उतरती हैं। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने दो बार विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया। पुणे के औंध अस्पताल ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। औंध अस्पताल ने पूजा के आवेदन के जवाब में कहा था, आपने 23 अगस्त 2022 को विकलांगता सर्टिफिकेट के आवेदन दिया था। आपकी ओर से बताई गई बीमारी लोकोमोटर विकलांगता की मेडिकल टीम ने 11 अक्टूबर 2022 को यहां पे जांच की हुई है और टीम ने रिपोर्ट के आधार पर दावे किए हैं कि जितना यहां पर आपको दावे जो किए जा रहे हैं, जितना यहां पर होना चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो यहां पर नहीं है। यानी कि आपके पक्ष में विकलांगता सर्टिफिकेट जारी करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोकोमोटर विकलांगता हड्डियों या मांसपेशियों को यहां पर प्रभावित करती है, जिसके कारण हाथ पैर के मूवमेंट परेशानी हो सकती है। इसके बाद उन्होंने पिंपरी चिंचवण गवर्नमेंट अस्पताल में विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था, जिसे यहां पे स्वीकार कर लिया गया। तो दो अलग अलग मामलों में से एक यहां पर इनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया और यहीं पर विवाद आपका बढ़ जाता है। इसके बाद दो हफ्ते में यहां पर कमेटी को एक रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत करना है, जो जांच यहां पर चल रही है इनके मामले को लेकर के। तो केंद्र ने देखा जाए 11 जुलाई को विवादों में घिरी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के मामले की जांच के लिए यहां पर उनकी उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए एक सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया। साथ ही यह जांच एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अफसर यहां पर कर रहे हैं और इसका मकसद यह है कि 2023 की बैच की अधिकारी खेड़कर की उम्मीदवारी के दावों अन्य डिटेल को यहां पर वेरीफाई करना। साथ ही समिति अपनी रिपोर्ट में दो हफ्ते में यहां पर पेश कर देगी और यहां पर साफ हो जाएगा कि कितनी यहां पर सही है और तब तक के लिए यहां पर इन्हें इनकी ट्रेनिंग कार्यमुक्त कर दिया गया है। पूजा उनकी जांच के लिए गठित कमेटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी यहाँ पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। यहाँ पर यह भी उन्होंने कहा है कि मुझे इस पर यहाँ पर कुछ नहीं कहना है, जो भी होगा वो कमेटी के सामने यहाँ पर कहने वाली है। पूजा खेड़कर यहाँ पे हैं कब, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 2023 में की बैच के यहाँ पे आईएएस अधिकारी हैं और यूपीएससी की परीक्षा में यहाँ पे इनकी ऑल इंडिया जो रैंक आई थी 841 आई है। पिता का नाम दिलीप खेड़कर है और रिटायर्ड यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं। पूजा को परमानेंट नियुक्ति से पहले यहाँ पर एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए पुणे के डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर देखा है कलेक्टर ऑफिस में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर यहाँ पे तैनात किया गया था और अभी यहाँ पर मामला बढ़ गया है और विवाद इसलिए यहाँ पर भी बढ़ गया कि सायरन वीआईपी नंबर प्लेट निजी ऑफिस और डी कार का उपयोग कर रही थी और उनका यहाँ पर दुरुपयोग भी कर रही थी, जिसके चलते उन्हें पुणे के वाशिम यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया था और विवाद यहाँ पर आपको बढ़ जाता है। अब विवाद देखिए यहाँ पर एक दो नहीं है, इनके कई सारे यहाँ पर विवाद हैं। 6 अलग अलग विवाद इनके नाम यहाँ पर निकल कर आए हैं, जिनको आइए हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये 6 विवाद कौन से हैं, 6 नाम जो विवाद इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो पहला तो देखा जाए जो विवाद यहाँ पर आपको निकल कर आता है, अपनी पर्सनल ऑडी कार पर ये लाल और नीली बत्ती पर महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगवाने के बाद सुर्खियों में आई। यह कार देखा जाए तो एक प्राइवेट कंपनी की है और इस पर यहाँ पर रजिस्टर्ड है और इसमें आप अगर प्राइवेट है तो आप सरकारी अधिकारी होकर के वहाँ पर ये सारी व्यवस्था आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग से पहले वीआईपी नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ी, आवास, स्टाफ के साथ चैम्बर और एक कांस्टेबल की मांग इनके द्वारा की गई। ये सुविधाएँ यहाँ पर देखा है सिर्फ सीनियर अधिकारियों को ही मिलती है। तो दूसरा विवाद ये रहा। तीसरा विवाद यहाँ पर जन्म लेता है कि पिता ने बेटी की मांगों पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर के ऑफिस पर दबाव डाला। पूजा ने सीनियर ऑफिसर अजय मोरे के चैंबर पर कब्जा करने के लिए वहां से उनका नेम प्लेट भी हटा दिया। इसके बाद विवाद बढ़ता है, खुद को एक ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट बताती हैं, उसका ये दावा करती हैं, जबकि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए पेरेंट्स की जो सालाना एक इनकम है वो 8 लाख या उससे यहाँ पर कम होनी चाहिए जो उसका लाभ मिले, जबकि चुनावी हलफनामे उनके पिता की सालाना इनकम 43 लाख रुपए और कुल संपत्ति जो है 40 करोड़ बताई गई है। एक और विवाद यहाँ पे जनता है कि जब यूपीएससी की परीक्षा ये अप्लाई करती हैं, उसके हलफनामे में मानसिक रूप से अक्षम होने, देखने में दिक्कत होने का दावा करती हैं। परीक्षा के दौरान विशेष आवास की मांग की गई और लेकिन अब तक 6 बार मेडिकल टेस्ट देने से ये इनकार कर चुकी हैं। और छठा जो लास्ट यहाँ पर देखा जाए कि पुणे और अहमदनगर में 7 अचल संपत्तियाँ हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू करीब 17 से 22 करोड़ के बीच आंकी गई है। इनमें से 2 प्रॉपर्टी उनकी मां ने गिफ्ट की हैं और 7 प्रॉपर्टी से हर लाख करीब 43 लाख रुपए यहां पे कमा रही हैं। तो सारे मामले देखा जाए तो अपने आप में काफ़ी सारे विवाद यहां पर इनके नाम से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट यहाँ पर 2 हफ्ते में आएगी और हो सकता है उसके पश्चात यहाँ पर इन्हें परमानेंटली बर्खास्त कर दिया जाए।
आगे के मामला यहां पर कैसे आगे बढ़ेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में इस तरीके के मामले ये एक हो सकते हैं, लेकिन कितने ऐसे और भी हैं जिनके मामले सामने नहीं आए हैं ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक चीज हो सकती है तो इसके बाद एक के बाद एक भी चीजें हो सकती हैं। इसलिए यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी पर भी एक सवाल यहां पर जरूर उठता है, और यहां पर अपनी क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखने के लिए इस तरह के मामलों से निजात पाना होगा। आज सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।